जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? देखो, सितंबर महीने का दूसरा हफ्ता भी आ गया। समय इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता। फिर से हाजिर हूँ आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इस वीक आपके साथ क्या होने वाला है, यानी 8 से लेकर के 14 सितंबर तक आपके साथ क्या क्या होगा, वो सारी चीजें जानेंगे ताकि समय से आप अपने वीक को प्लान कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोग नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, ये जो राशिफल है ये ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं उसके ऊपर बेस करता है। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशंस आते हैं, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी मैं आपको ये बताती हूँ। इसे अपने मून साइन से देखेंगे तो परफेक्टली मैच करेगा। मून साइन नहीं पता है, राशि नहीं पता है, चंद्र राशि, तो उस केस में आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं या लगन से भी देख सकते हैं। मेल हो फीमेल हो, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी टाइम जोन में रहते हैं, सभी लोगों को ये राशिफल 100% सूट करता है, 100% सूट करेगा। आप लोग अक्सर पूछते हो कि गुरुमा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका राशिफल सटीक है। देखो, मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या जो है ये कोई बेचने की चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, मेरे लिए एक सेवा है। और उसी सेवा के चलते हम दरबार भी लगाते हैं हर गुरुवार, जहाँ बिल्कुल निःशुल्क सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी जन्म कुंडली देखते हैं, जो भी उनके जीवन में समस्या आ रही है उनके बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं, गाइड करते हैं, और उन उपायों को जो फॉलो करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं बाबा की कृपा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी कार्य सच्चे दिल से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर ही प्राप्त होता है। तो शायद वही कारण होगा कि हम अपने घर बैठे हुए, आप अपने घर बैठे हुए सुन रहे हैं, हम अपने घर बैठे बता रहे हैं, फिर भी ये राशिफल आपको 100% मैच कर रहा है। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है इसमें आपके साथ क्या क्या होने वाला है। एक तो मुझे फ्यूचर को लेकर आप काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काफी ज्यादा प्लानिंग तो नहीं कह रही, ज्यादा अभी काम भी नहीं कर रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो, तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है क्योंकि फ्यूचर जो है वो आपके कर्मों से बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा। तो वहां आपको थोड़ा सा जो है वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के साथ ही चलना होगा। बहुत से लोग मुझे अपने घर में किसी तरीके के कपड़े लेते दिखाई दे रहे हैं। आप कोई नया सोफा कवर ले सकते हैं, कोई बेडशीट ले सकते हैं, कोई कर्टन्स ले सकते हैं, मतलब कुछ तो स्पेशल करते हुए काफी लोग जो है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ नया फैब्रिक खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कपड़े बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके उसमें, तो अगर कपड़े आप कहीं बाहर सुखा रहे हैं रस्सी पे तो उसका थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आपके उड़ के भी कहीं जा सकते हैं, तो उसको प्रॉपरली क्लिप वगैरह करके ही रखिएगा। इस हफ्ते ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। बात करते हैं हम आपके धन की, तो धन की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट होते आप दिखाई दे रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ही आपका धन कमाने की इच्छा नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गली उसकी तरफ काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आलस आ रहा है, या थोड़ा सा बस सोच के बैठ जा रहे हैं, अच्छा करते हैं, थोड़ा सा ढीलापन आपके अंदर आ रहा है, मतलब प्रॉपरली उस चीज़ को आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा अपने फाइनेंसिस को देखते रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे ऐसा है कि इस समय में, इस हफ्ते में पैसे को एंजॉय करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रादर कि आप पैसे को खर्च करेंगे रादर कि उसको अर्न करने से, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है। फैमिली के साथ खासकर बच्चों पे कुछ ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, इंजॉयमेंट के लिए ही होंगे, लेकिन वो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आपके वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में कुछ नई दिशा आती दिखाई दे रही है। कुछ लोग कहीं जाते हुए अपने काम के कारण दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रांसफर चाह रहे हैं बहुत समय से, तो ये हफ्ता हो सकता है आपके ट्रांसफर के लिए, या आपको काम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, या कहीं दूर जहां काम कर रहे हैं उससे दूर कहीं आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ सकता है। अगर आप कोई नया चीज ढूंढ रहे हैं, नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो वर्क प्लेस पे चेंज जरूर होगा। कुछ लोगों का तो वर्क प्लेस यानी कि उनका ऑफिस ही शिफ्ट होते हुए मुझे कहीं दिखाई दे रहा है, वो भी काफी लोगों के लिए है। बात करते हैं हम बिजनेस की, तो बिजनेस में एक अलग ही तरह की ग्रोथ आप देखेंगे। कुछ चीजें बहुत ज्यादा मतलब चेंज होती दिखाई दे रही है। आप इस समय जो है बिजनेस को लेकर के रात के समय में जो भी आइडिया सोचेंगे उसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा।
थोड़ा कुछ सपने भी आपको आ सकते हैं। अगर आपके वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड आपको कोई सपना आता है तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वहां आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है। सिद्ध दरबार, भगवान शनि देव का दरबार, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस हफ्ते भी मुझे एक प्यारी सी शिष्या है, हमारी भक्त है, उन्होंने बहुत ही एक अच्छी चमत्कार की घटना सुनाई जो उनके साथ हुआ है। चलिए जानते हैं, फिर उसके बाद आगे का राशिफल हम सुनेंगे। जय श्री शनिदेव महाराज, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गुरु मारुक मनी की जय। मेरा नाम आरती है, मैं सुल्तानपुरी की रहने वाली। मैं यहाँ पर, मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर बताया था गुरु माँ के पास। जैसे उन्होंने मुझे गुरु माँ के बारे में बताया, वीडियोस दिखाई, फोटोज दिखाई हैं, रील्स दिखाई हैं जब गुरु माँ की, तो मैंने उनकी, जब उन्होंने मुझे बताया मेरी सिस्टर ने कि वहाँ पर ऐसे ऐसे चीजें होती है, और फिर मैंने वीडियोज भी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, और मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत परेशान थी, दिन रात रोती रहती थी, बहुत दुखी थी मैं। जैसे ही गुरु माँ के पास आई हूँ, गुरु माँ ने मुझे मंत्र दिया, आप ऐसे ऐसे करो, इस मंत्र को जितने भी दिन मुझे बताया मैंने उतनी बार टाइम किया, और गुरु माँ ने मेरी कुंडली बनाई, मेरे बच्चे की कुंडली बनाई। कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे के एजुकेशन में बहुत रुकावट थी, रुकावट के तो मैं परेशान हो गई, और मेरे बच्चे को स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया गया। तो गुरु माँ के बताया गया मंत्र जो मैंने वो रेगुलर किया, और आज चमत्कार ऐसे हुआ कि मेरा बच्चा, गुरु माँ की कृपा से मेरा बच्चा आज रेगुलर स्कूल जा रहा है, और मेरी मैरिड लाइफ भी स्लोली स्लोली ठीक हो रही है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कुछ हायर पावर, कुछ भगवान आपको कोई संकेत भेजेंगे, या किसी के द्वारा आपको कोई चीज पता चलेगी जो कि आपके बिजनेस की दिशा एकदम बदल देगी। जो बिजनेस बिल्कुल ही नहीं अगर चल रहा था और एकदम धूल खा रहा था, और एक ही तरीके से आप उसे कोशिश कर रहे थे चलाने की लेकिन नहीं चल रहा था, उसमें चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो कि आपको अच्छा ना लगे, या ऐसा हो सकता है कि पहले आपको वो रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगे लेकिन फिर आपको रियलाइज़ हो कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो अगर कोई भी रिश्ता है तो पहले उसको हाँ मत कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद ही आप उसको यस कीजिएगा। चाहे ये सिंगल्स के लिए है, चाहे आप मैरिज का प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं, या लव एंड रिलेशनशिप का प्रपोजल कर रहे हैं कंसिडर, दोनों ही चीज़ में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि कोई पास्ट की प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से आपके पास आ सकती है आपकी फैमिली लाइफ में। अगर पहले किसी चीज़ को काफ़ी लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा ही तनाव रहा है, मतलब काफ़ी लंबा समय का तनाव दिखाई दे रहा है, तो वो लौट करके आ सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आप उसको मेंटेन कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो आपको स्टार्टिंग में उसके लिए देखना पड़ सकता है इस हफ्ते में। हेल्थ को लेकर के बात करें तो हेल्थ में वैसे तो अच्छा है, लेकिन एक तो पैरों में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। थोड़ा चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, या तेज़ी से ड्राइव करते हैं, या तेज़ी से किसी मतलब भाग भाग के कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ केयरफुल रहिए, पैर में आपको लग सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है, अगर प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, बस उसका थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा, अदरवाइज तो चीज़ें ठीक है। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ऐसा आशीर्वाद मैं आप सभी को दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।